वालेकुम व्यूअर्स मेरा नाम अताउर रहमान और आप देख रहे हैं अता बुखारी यूट्यूब चैनल क़ुरान करीम की मुसलसल एक्सपोजिशन के सिलसिले में आज हम अल बकरा की आयत नंबर 135 और 136 एक की एक्सपोजिशन करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें एक सौ पैंतीस नंबर की आयत यहां से शुरू होती है वकालु नसारा तदू और कहते हैं कि यहूदी या नफरानी हो जाओ ताकि हिदायत पाओ कुल बल मिल्ला इब्राहिमा हनीफा लेकिन कुरान करीम क्या कह रहा है? कहता है कि नहीं वो कहता है कि ये कहो कि हम तो मिल्ल इब्राहिम पर रहेंगे ये कहो हम तो मिल्त इब्राहिम पर रहेंगे हनीफन जो सीधा अल्लाह के ज़ाबतों अल्लाह के कवानीन की तरफ चल पड़ा ये हनीफ़न का मतलब ये होता है जो दाएं बाएँ ना देखे जो कवानीन जो ज़ाबते अल्लाह ताला ने दिए उन्हीं के ऊपर कोई चलता चला जाए इब्राहिम की यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पर उनके लिए हनीफा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो उसकी ये मानी है कि उन्होंने उस वक्त जितने भी उनके चूँकि उनके वालिद जो थे वो महबी पेशवा थे हेड प्रीस थे उनके पास मजहबी इख्तियारात भी थे और ताकत भी थी क़वत भी थी आ, लेकिन उन्होंने और फिर ये भी था कि कबाइल के अंदर ज़िंदगी गुजारने में ही इंसान की हिफाजत हो सकती थी कबाइल से बाहर निकलना कबाइल से कटना बड़ा मुश्किल था तो ये भी चीज़ हुई कि उनको अपना कबीला भी छोड़ना पड़ा तो उस वक्त कबीले को छोड़ना यूँ था जैसे मौत को दावत देना है आजकल का तो ये माहौल नहीं था कि आप निकलेंगे तो कोई घर ले लेंगे कोई नौकरी तलाश कर लेंगे उस वक्त अपने कबीले से कटना वो तो मौत को दावत देना था तो इसलिए कुरान करीम कह रहा है कि उन्होंने किसी चीज़ को भी वो खातर में नहीं लाए सीधा जो भी जब्ता था अल्लाह की वही का उसके ऊपर चलते चले गए ये सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया हनीफा का ये बड़ा बड़ा जाम लफ्ज़ है इब्राहीम के लिए इस्तेमाल हुआ है तो ये आप समझ लें कि हनीफा का मतलब क्या होता है आज भी इस चीज़ की ज़रूरत है आ, हमें क्या होता है थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ उधर से पसंद आई वो इख्तियार कर ली को उधर से कुछ चीज़ पसंद आई वो इख्तियार कर ली तो दीना दीना हनीफा जो है ये तो बिल्कुल सीधे चले जाना नाक की सीट पर चले जाना दाएँ बाएँ ना देखना सिर्फ वही चीज़ उसी चीज़ को अडॉप्ट करना जो अल्लाह के कानून के अंदर है तो ये चीज़ हनीफ़ा के अंदर आ जाती है ये ख़ासियत बताई इब्राहीम की तो ये है कि कुलबल मिलत इब्राहिम हनीफा हम तो मिल्ल इब्राहिमी पर रहेंगे जो हनीफ़ा थे व माँ काना मिनलमशरक और वो मशरकिन में से नहीं थे इब्राहीम के मतलब का हाँ। कह रहा है कि वो मशरकिन में से नहीं थे यानी हनीफ़न की जो ख़ासियत है ये तोहद की खासियत है कि किसी और निज़ाम को ना देखना वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो सिर्फ ये देखना कि अल्लाह के जबते और क़वानीन क्या हैं। ये तो हनीफ़ा के अंदर आ गया और मशरकिन के अंदर आ गया कि किसी की तरफ भी झुकाव ना होना आ, सिर्फ एक अल्लाह के कवानीन के सामने झुकना तो ये इस तरह से जो होता है वो शिरक से बच जाता है इंसान तो यहाँ पर ये देखें कुरान करीम क्यों ये चीज़ कह रहा है इब्राहिम के हवाले से कि यहूदियों की भी बात कर रहा है नसरानियों की यानी क्रिश्चियंस की भी बात कर रहा है अब ज्यूज और क्रिश्चियंस दो जो बुनियादी जो बड़े मजहब थे उनकी कुरान बात करके ये चीज़ क्यों कह रहा है कि और कहते हैं कि यहूदी या नसरानी हो जाओ ताकि हिदायत पाओ देखिए आज भी यही कुछ मुसलमान कह रहे हैं वो क्या कहते हैं कि कोई देवबंदी बन जाओ जो ब्रेलवी हैं वो कहते हैं बरेलवी बन जाओ जो एलेसनत हैं वो कहते हैं अलेसनत बन जाए वो जो हनफी हैं जो शाफ़ी हैं जो मालकी हैं तो वो कहते हैं कि हमारे फिक, फिकों फ़िका के ऊपर आ जाए हमारा फ़िका लें तो इस तरह से एहल तशिया वो कहते हैं हमारे हमारा फिका एडोप्ट कर लें तो तुम आ, निजात पा जाओगे कामयाब हो जाओगे वो यही कहते हैं आज भी यही कहते हैं देखिए कुरान करीम वो बात करता है वो रविश की बात करता है उस रविश की जो क्यामत तक लोगों के हाथ चलती चली जाएगी चाहे वो सही हो या ग़लत हो कुरान करीम उसी चीज़ को पॉइंट आउट करता है ये एक, एक माइंड सेट होता है यहाँ पर कोई ना यहूदियों की बात है ना ये नसरानियों की बात है बात है उस माइंडसेट की माइंडसेट क्या है कि हर मज़हब का जो पैरोकार होता है वो यही समझता है कि मैं हक पर हूँ मै, मेरी निजात हो गई है वो फिर लोगों को आगे यही कहता है जिस मजहब या मसलक पर होता है वो लोगों को भी यही कहता है कि तुम इस मजहब या मसलक पर आ जाओ तुम तुम्हारी निजात हो जाएगी आ, तुम जो है वो हिदायत पा जाओगे यानी उसके नज़दीक अपना मजहब या मसलक हिदायत होती है तो वो लोगों को भी यही तरगीब दे रहा होता है कुरान करीम इस चीज़ से मना कर रहा है यहाँ पर बात तो वो उस वक्त जो भी अब भी ये जो बड़े फिरके हैं ये जूज़ क्योंकि जूस ने सारे मजाहब की आगे जितने भी मज़ाहब हैं इसकी बेस जो है वो ज्यूज़ है ये मुसलमानों के यहाँ भी जो जितने भी मज़ाहब हैं उनकी बेस भी ज्यूज़ के अकायद हैं ज्यूज़ के वो रिलीजन रिलीजियस थाट्स हैं वही उन्होंने थोड़ा बहुत उसको कोई तरमीम करके उसके अंदर थोड़ी बहुत तब्दील करके उसको इस्लाम का रंग दिया हुआ है जैसे संसारी है ये ज्यूज़ से चली आ रही है ये ज्यूस के कायद है कुरान करीम की मोस्टली जो तफसीरें की गई हैं वो इसराइली रवायात की रूह से हैं ज्यूस की वो जो थाट्स हैं जो रिवायतें हैं उनकी रूह से कुरान करीम की तफसीरें की गई हैं मोस्टली पोर्शन जो तफसीरों का है वो उन्हीं का किया हुआ है और उसी को हम दीन मान रहे हैं तो ये ये कहने का मकसद ये है कि हर कौम के अंदर हर जमाने में हर जो मजहबी कौम है वो यही लोगों को कह रही होती है कि हमारे मजहब पर आ जाएँ तुम हिदायत पा जाओगे जैसा कि जूस और क्रिश्चियन के बारे में कुरान कह रहा है आज यही चीज़ें मुसलमान कह रहे हैं कुरान करीम ने क्यामत तक के लोगों को रहनमाई देनी है तो बात सिर्फ ज्यूज़ या क्रिश्चियन की नहीं है जो कौम भी ये माइंड सेट रखेगी कुरान करीम की ये तालीम उनके लिए है वो उनको समझा रहा है कि इस चीज़ से बाज़ आ जाए ये गलत रविश है दीन वही है जिसके ऊपर इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले क्योंकि इब्राहिम को तो जूस भी मानते थे और मानते भी हैं अब भी मानते हैं और क्रिश्चियन भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं इसलिए यहाँ पर इब्राहीम की अलैहिस्सलाम की बात हुई है इसलिए मिलत इब्राहिम की बात की गई है तो ऐसे नबी जिनको तमाम जूस भी मानते हैं क्रिश्चन भी मानते हैं मुस्लिम भी मानते हैं तो उस नबी और उसकी मिलत की बात की गई है और कहा गया है कि इब्राहीम स्लम जिन जबतों के ऊपर चल रहे थे वो थे वही के जाबते जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए थे वो उनके ऊपर चल रहे थे तो अगर तुमने कोई कामयाबी हासिल करनी है फ़लाह हासिल करनी है तो तुम्हें वही कुछ करना पड़ेगा जो इब्राहीम ने आ, किया वो क्या किया था कि उन्होंने सिर्फ़ एक अल्लाह के कवानीन की इतात की थी उनकी तबाह की थी उसकी रूह से आ, वो अपनी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी थी तो ये है मिल्लत इब्राहिम उसी की रूह से उन उन्होंने अपना अपनी ज़िंदगी का आ, मिशन बनाया था तो ये मिल्लत इब्राहिम है और हनीफा का मैंने आपको मतलब समझा दिया है कि हनीफा का क्या मतलब होता है कि कोई भी निज़ाम कितना भी गालिब हो सोसाइटी के अंदर उसकी तरफ ना देखना लोगों की अक्सरीत मुहर्रम मना रही है ना लोगों की अक्सरीत इसी तरह रबी अव्वल वो वो विलादत शहादत चीज़ें मना रहे हैं ना तो अक्सरीत को ना देखना कि वो क्या कह रही है वो क्या कर रही है उनके अकायद क्या हैं अक्सरीत को आप मेार ना बना लें कि देखें जी इतने लोग हैं क्या ये सारे गलत हैं देखिए कुरान करीम के किसी भी असूल के ख़िलाफ़ लोगों की अक्सरीत अगर गलत है तो वो गलत है तो अक्सरियत से कोई चीज सही नहीं हो जाती ये है असूल कुरान के वो तो कहता है कहते हैं ला अक्सरम लोगों की अक्सरियत इलम ही नहीं रखती इलम ही नहीं रखती जब इलम ही नहीं रखती तो वो हक कर हक के ऊपर कैसे हो सकती है तो कोई चीज़ हक पर है या बातल पर है उसका मैार जो है वो मेजॉरिटी या मिनोरिटी नहीं है तादाद की कसरत या तादाद की किल्लत नहीं है कितादाद की कसरत हो तो वो चीज़ हक़ बन जाए बिल्कुल नहीं हक़ को बिल्कुल अटल है और जो हक़ है वो सिर्फ क़ुरान के अंदर है कुरान से बाहर किसी भी मज़बी किताब के अंदर हक़ नहीं है तो ये आयत 135 की एक्सप्लेनेशन होगी और आगे कह रहा है कि कुलू आमन्ना बिल्ला व माँ जिला इलैना व मा जिला व इस्माइला व इसहाका व वा याकूबा वासबा अब ये देखिए कुरान करीम खोल खोल कर अम्बिया की बातें करके बता रहा है कहता है कि कह कह दो कि हम कुलू आमन्ना बिल्ला हम अल्लाह पर ईमान लाए अब अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या है अब आप जुबानी में कह दें हम अल्लाह पर ईमान लाए सारे मुसलमान ये कह रहे हैं लेकिन अल्लाह पर ईमान लाने के बाद वो करते क्या हैं वो ये करते हैं कि अपने मजहबी पेशवाओं के जो बनाए हुए मसाले या फ़िरके होते हैं उनके ऊपर चल रहे होते हैं तो वो उनके ऊपर चल रहे होते हैं अपने अपने मजाहब या मसाल के ऊपर चल रहे होते हैं अपने आबाजाद का जो मसलक होता है जो तरीका होता है उसके ऊपर चल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हम अल्लाह परिमान लें तो ऐसे ज़बानी कलामी अल्लाह परिमान लाने का कोई फ़ायदा नहीं है अल्लाह परिमान लाने का मतलब ये है कि वो तब माना जाएगा कि अल्लाह पर ईमान हम लेकर आए जब हम अल्लाह की किताब के ऊपर ईमान लाकर जो उसके अंदर ज़ात कवानी हैं उनको पहले समझें फिर उनके मुताबिक हम अमल करें उन उनबत और कवानी की रूह से हम अपना सियासी अपना माशी समाजी निज़ाम बनाएँ अगर हम अपने अपने मसलक या फ़िरके ऊपर चल रहे हैं तो फिर हम जितना मर्जी दावा कर लें कि हम अल्लाह को मानते हैं अल्लाह के नज़दीक इस ईमान लाने की कोई हकीकत नहीं है आप कलमें पढ़ लें कलमों की तस्वीर पढ़ लें उनकी विद कर लें नमाज़ें पढ़ लें तहज्जुद पढ़ लें कोई चीज़ काम नहीं आएगी कोई चीज़ काम नहीं आएगी ये असूली बात करता है कुरान करीम ये यूँ नहीं है कि कोई शख्स उठे मैं अल्लाह को मानता हूँ मैंने कलमा पढ़ लिया है मैंने कलमा शादत पढ़ लिया मैंने कलमा तय पढ़ लिया है तो अब जी मैं मुसलमान हो गया हूँ कुरान करीम के मैार के ऊपर वो मुसलमान नहीं है वो मुस्लिम उस वक्त है जब वो अकायद अप, अपने मसालिक अपने मजहबी पेशवाओं के मसालिक और अकायद को और अपने अबाव अजदाद के मसलक को छोड़े और छोड़ने के बाद फिर अल्लाह के कवानीन के सामने सरेंडर कर दे सरेंडर करने का मतलब है सिर्फ उन्हीं के सामने झुके उन्हीं की रूह से अपना निज़ाम बनाए इनफरादी और इज्तमी उन्हीं कवानीन के ऊपर चले तो फिर ये होगा कि वो अल्लाह पर ईमान ले आए मैंने समझा दिया कि अल्लाह पर ईमान लाना क्या है तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अल्लाह पर ईमान लाना क्या है और आगे कहता है कि वमा उन जिला इलेना और जो हमारी तरफ नाजिल किया गया उसके ऊपर हम ईमान लाए ठीक है हमारी तरफ अब कुरान है ना हम उसके ऊपर ईमान लाए तो ईमान लाने कुरान पर ईमान लाने का क्या हुआ कि तमाम मजहबी जितनी भी कुतब हैं उनको एक तरफ़ कर देना उनको छोड़ देना गिव अप कर देना सिर्फ़ एक अल्लाह की किताब को अडॉप्ट कर लेना सिर्फ उसी की रूह से अपनी ज़िंदगी गुजारना तो ये हो जाएगा उस किताब के ऊपर ईमान लाना तो अगर ऐसी चीज़ नहीं है तो आप कहते रहे हम इस किताब को मानते हैं तो इसका मतलब है कि हम झूठ बोल रहे हैं हम किताब को नहीं मान रहे हम अपने मज़बी पेशवाओं की किताबों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं और एक झूठा दावा कर रहे हैं मुनाफ्त कर रहे हैं कि हम किताब को मानते हैं तो बिल्कुल हम किताब को नहीं मान रहे क्योंकि हम तो अपने अपने मजहब और मसल की किताबों के ऊपर चल रहे हैं अब समझ आई कि वमा माँ उन जिला इलना का क्या माना है और आगे कह रहा है कि वमा उन जिला इला इब्राहिम और हम उसके ऊपर ईमान लाए जो इब्राहिम की तरफ नाजिल हुआ इस्माइल की तरफ नाजिल हुआ इसहाक की तरफ नाजिल हुआ याकूब की तरफ नाजिल हुआ और उसकी औलाद की तरफ नाजिल हुआ समझ आ रही है ये चीज़ कि किस तरह कुरान करीम वाज कर रहा है बातों को और कहता है वमा ऊत या मूसा व ईसा और जो मूसा को दिया गया और जो ईसा को दिया गया क्या दिया गया अल्लाह का कानून अल्लाह की अल किताब किताब क्या होता है जबता है याद जो जबता याद जो अल किताब जो जबता याद उनको मूसा को दिया गया ईसा को दिया गया तो हम उसके ऊपर ही मान लाते हैं और आगे कह रहा है वमा ऊतियन नबी यून मिर रबी माऊती नबी यूना मर रब कि जो उनके रब की तरफ से अम्बिया को दिया गया क्या जबता ये जबता हाथ की बात हो रही है वो चीज देगी अकायद की बात नहीं करता कुरने करीम जबताद मजहब के अंदर होते हैं जापता हयात में तो जिंदगी गुजारने के असूल और जाबते होते हैं अकायद मजहब के अंदर होते हैं कुरने है। करीम अकायद के खिलाफ है वह अकायद अकायद कुरान के ख़िलाफ़ है अकायद मजहब या मसलक के अंदर होते हैं अलज़ाबता जो होता है उनके अंदर कवानीन ज़ते असूल वो चीज़ें होती हैं जिनकी रूह से दीन का निज़ाम बनता है और उस दीन के निज़ाम को जब हम सेटअप करते हैं उसको जब हम इस्टेब्लिश करते हैं तो फिर लोगों की ज़िंदगी इसी दुनिया में जनती ज़िंदगी बननी शुरू हो जाती है लोग आफियत में आ जाते हैं लोगों को सुकून और राहत मिल जाती है अगर वो निज़ाम उस शक्ल में नाफज कर दिया जाए जो दीन का एक जबता है जिसके जो जब कुरान के अंदर बयान हुए उसकी रुच और आगे कहता है कि वह माओती नबी यून के बाद कह रहा है मबी उसके बाद कह रहा है कि लाह फर्री को बीना आदि मिन हम अब ये देखिए कुरान करीम की ये आयाद कितनी वाज़ है कहते हैं कि हम लान को बीना अहादि मन हम कि उन अम्बिया के दरमियान हम उनमें से किसी में भी फ़र्क नहीं करते बीना अहादिम के अल्फाज हैं उनमें से यानि उन अम्बिया में से किसी एक में भी हम फ़र्क नहीं करते कि वो सारे के सारे अल्लाह के अंबिया और हमने क्या किया हुआ है कि वो जी फलाँ इमाम्बिया हैं यानी रसूल सल्लम इमाम्बिया हैं वो देखिए सारे इमाम हैं जितने भी अम्बिया हैं वो सारे इमाम हैं तो फिर इमामुल अंबिया कहने का क्या मतलब हुआ हम फर्क नहीं कर सकते हम कहें कि मोहम्मद वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी नबी हैं वो बाकी अम्बिया से अफजल थे ये कुरान की इस नशी के बिल्कुल ख़िलाफ़ है तमाम अम्बिया उनमें कोई फ़र्क का कोई कॉन्सेप्ट रखेंगे ये कुरान के ख़िलाफ़ हो जाएगा तमाम अम्बिया हमारे लिए बराबर हैं कि वो अल्लाह के अम्बिया थे वो अल्लाह के अम्बिया थे हमारे लिए वो बराबर की हैसियत रखते हैं इनमें से किसी को नहीं हम कह सकते कि इब्राहिम का मकाम ज़्यादा है शुएब का मकाम कम है ये बिल्कुल गलत है तो तमाम अम्बिया में ये चीज़ कि वो सारे के सारे अल्लाह के अम्बिया थे सब को हमारे लिए वो सब एक जैसे थे अल्लाह के अंबिया थे और बुलंद मकाम पर थे नबी का माना ही होता है बुलंद मकाम के ऊपर होना नबी का माना गैब की खबरें बताना नहीं है ये तो गलत कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने नबी का माना ये नबी इसके जो रूट वर्ड में इसके जो मीनिंग है उसके माने होते हैं मकाम बुलंद पर होना ये जितने भी अम्बिया थे अल्लाह के वो मकाम बुलंद पर हैं बुलंद पर थे तो अठारह अम्बिया के नाम आए ना कुर करीम में अम्बिया तो ज़्यादा हैं और ये भी बात नहीं कि एक लाख चौबीस हज़ार थी ये भी इन्होंने अपनी तरफ से तादाद घड़ी हुई है कुरान करीम ने ऐसी कोई बात नहीं की भाई अम्बिया थे बहुत सारे थे जब कुरान ने तादाद नहीं बताई तो इनको कैसे पता चल गया अम्बिया थे और बहुत सारे थे वो कहता है हर करिया में बस्ती में अम्बिया है तो ये बात कहना यही सही है जो कुरान ने कही है। तो जिन अम्बिया के नाम नहीं भी आए जो सिर्फ जिनको नबी कहा गया जैसे कुरान कह रहा है कि वमाऊ तय नबी यून और इसमें तमाम अम्बिया आ गए अठारह के तो नाम दिए इसलिए कि उनको जो कुरान के अवरीन मुखातब अरब थे वो जानते थे तो इसलिए अठारह के नाम दिए गए लेकिन अम्बिया तो ज्यादा थे उनको नबी यून कह रहा है अब उस नबीन में सारे अम्बिया आ गए हम किसी भी नबी में फ़र्क करेंगे तो ये कुरान के खिलाफ हो जाएगा तो ये चीज भी समझ लें ये चीज़ क्लियर करने के बाद कुरान अब सारे इंसानियत को क्या कह रहा है कहता है वनानु लहू मुसलिमून के हम उसी के मुसलिमू हैं उसी के लिए मुसलिम है अल्लाह के कवानीन के सामने झुकने वाले सरेंडर करने वाले उसके क़वानीन के सामने सरबसूद होने वाले हैं उन्हीं कवानीन की रूह से अपनी ज़िंदगी का निज़ाम बनाने वाले हैं तो ये बनाने वाले होंगे तो मुसलिम कहलाएंगे ना तो हम अपनी ज़िंदगी का निज़ाम किन की रूह से चला रहे हैं वो जो हमारे मजाब की फ़िके और शरीयतें हैं जिनको हमने अपने मुल्कों में सरकारी सतह के ऊपर नाफज किया हुआ है। हम अल्लाह के कानून की रूह से ज़िंदगी नहीं गुजार रहे ना ही अल्लाह का जो कानून जो उसकी अल किताब है वो सरकारी सतह के ऊपर किसी भी इस्लामी मुल्क में नाफिज है तमाम जो जितने भी कॉल्ड इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो इंक्लूडिंग सऊदी अरब इंक्लूडिंग पाकिस्तान माहाहब और उनकी बनाई हुई फिक्र और शरीयतें ही सरकारी सतह के ऊपर नाफज है कुरान का कानून कुरान का जो जो असूल या जबता किसी भी मुस्लिम कंट्री में नहीं नाफिज अगर कुरान की जो जबते हैं जो असूल हैं अगर कहीं कोई इम्प्लीमेंट हैं तो वो फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं यानी उनका निज़ाम आप देखें तो वो कुरान से काफ़ी आपको मिलता जुलता नजर आएगा जो कुरान के असूल और ज़ाबते हैं लेकिन जो जो सोकल्ड मुस्लिम कंट्रीज हैं जितना ज्यादा को मजहबी रिलीजस कंट्री होगा उतना ही ज्यादा उसके उ, उसका जो जो पूरा जो माहौल है जो निज़ाम है वो कुरान के बिल्कुल खिलाफ है कुरान के बिल्कुल खिलाफ है ये नहीं कि उसके मुताबित में बिल्कुल खिलाफ है एक एक उनकी चीज़ मसलक की मज़ाहब की कुरान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है तो इन दो आयात में मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कुरान करीम क्या कहना चाहता है और किस तरह से समझाता है कि मुस्लिम कौन होते हैं मिलत इब्राहिमी क्या है और ये ये कहना कि यहूदी यहुद, हो जाओ या ईसाई हो जाओ ये इसका क्या मतलब है हनीफ़ा क्या होता है मुशरिक मशरकिन कौन होते हैं अल्लाह परिमान लाना क्या होता है और ये लानु फर्रक बीना आहदिम मिनहम ये क्या है और नाहन लहू मुसलिमून क्या मैंने एक एक जुमले का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है एक एक लफ्ज़ को वज़ कर दिया है उम्मीद है आप कुरान करीम का असूल सुफ़ करो इसकी रूह से आप ख़ुद गौर वफिक्र करेंगे शक्रिया